सिटी ऑफ ड्रीम्स और बिग बॉस ने मेरी जिंदगी बदल दी। बिग बॉस ने यार मैं आपको एक सवाल का एक जवाब नहीं दे सकता। ट्रॉफी नहीं जीता लेकिन एक अलग ट्रॉफी मुझे मिली है वहाँ से, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पवित्रा के साथ काम करने के लिए मुझे बहुत मजा आता है और मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी आपकी। क्या होता है ना, वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मैं अब भी जो कह रहा हूँ ना सिर्फ वो हेडलाइन बन जाए। तो मेरे लिए तो लाइफस्टाइल चॉइस है। मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगा यार, जिस दिन आपको अंदर से लगेगा ना तो आप करना शुरू करोगे, बाकी दिखाना मत करो। यार बिल्कुल सही आपने कहा, सिटी ऑफ ड्रीम्स और बिग बॉस ने मेरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहले तो सिटी ऑफ ड्रीम्स मेरा पहला वेब शो था, उसके लिए मुझे अपने एक्टिंग का ग्रामर बदलना पड़ा, मेरी एक्टिंग की समझ बदलनी पड़ी। मैं अवार्ड विनिंग एक्टर्स के साथ ही नहीं, एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। तो मुझे जो भी मैंने 20 सालों में सीखा है उसे डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा और फिर से सीखना पड़ा। बहुत मजा आया एंड आई कांट वेट फॉर सीजन 3। बिग बॉस के बारे में बोल रहा हूँ, तो बिग बॉस ने कैसे मेरी जिंदगी बदली? पहली बात तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, सबसे बड़ा शो है, हाईएस्ट टीआरपी है, बहुत लोग देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे उतना प्यार भी मिलता है, इतनी पॉपुलैरिटी भी मिलती है। तो पॉपुलैरिटी तो 500 फोल्ड है, लेकिन एज एन एक्टर मुझे बदला बिल्कुल नहीं बदला। पॉपुलैरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी है और एक फ्रीडम दिया है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकूँ, कुछ ज्यादा वक्त ले सकूँ और जो मुझे पसंद आया मैं उसे करूँ। तो बस आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और मेरे बिग बॉस की जर्नी तो आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। ये दोनों चीज जुड़े हुए हैं क्योंकि मैंने बिग बॉस छोड़ा भी था क्योंकि मुझे सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 की शूट कंप्लीट करनी थी। तो इट्स अ बिटर स्वीट पिल टू स्वॉलो, बट थैंक यू फॉर इट। तो बिग बॉस 14 की जर्नी की बात करूं तो आपने बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे दुश्मन बनाए और पूरी जर्नी अप्स एंड डाउन रहेंगे। तो इसको अगर आपकी लाइफ में डिफाइन करना हो तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? सीख थी बहुत बड़ी बिग बॉस में। यार मैं आपको एक सवाल का एक जवाब नहीं दे सकता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको समझ में आता है कि आप किस मिट्टी के बने हो। आपको जबरदस्ती लोगों को परखना पड़ता है, लोगों को जज करना पड़ता है, समझना पड़ता है और वैसे गेम खेलना पड़ता है। मुझे गेम तो कभी समझ में आया नहीं, ना कि मैंने खेला। मेरा बहुत सिंपल था, जो मुझे फील हुआ और जिनके साथ अपनी बनी तो बनी, जिनके साथ नहीं बनी तो कोई बात नहीं। वहाँ रोज थोड़े रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। आप सिर्फ एक घंटा देखते हो, हम 24 घंटा जीते हैं और आपको पूरी स्टोरी कभी बताने लगती है। तो कभी कभी आपको लगता है फेक है, कभी कभी आपको लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अपने अपने रीजंस होते हैं। ट्रॉफी नहीं जीता लेकिन एक अलग ट्रॉफी मुझे मिली है वहाँ से और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कहा कि मुझे एक अलग टाइटल मिला है, सो ट्रॉफी और पवित्रा मैम, सो हाउज योर इक्वेशन? रिसेंटली काफी ज्यादा तस्वीरें आई जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई, सो क्या कहना चाहोगे इस इक्वेशन के बारे में? यार बहुत शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा कि मुझे वार्निंग दी गई है कि ज्यादा बकबक नहीं करने का, अपने बारे में नजर लगती है। तो शॉर्ट में बोलूंगा, आपने जो हमें बिग बॉस में देखा थोड़े बहुत हम अभी भी वैसे हैं, झगड़े झगड़े होते हैं, प्यार बहुत है और हम रियल। आई एम श्योर अगर आप लोग असली रिश्ते में रह चुके हो तो असली चैलेंजेस भी आपके आते हैं।
तो हम वही कहेंगे कि व्यास जी वाला साहब, वी जस्ट वांट योर ब्लेसिंग्स। इतना स्क्रूटनाइज मत करो यार कि क्या चल रहा है हमारे लाइफ में, शादी कब करने वाले हो, बच्चे कब होंगे, नाम क्या रखेंगे। प्लीज लेट अस बी, थोड़ा ज्यादा हो जाता है फालतू का प्रेशर बन जाता है। बहुत जल्दी खुशखबरी आपको दे देंगे, but as of now let us just enjoy this beautiful time. Okay, sir. So, do you think you are blessed to be part of Big Boss 14? So, आपको चांस मिला पवित्रा मैम से मिलने के लिए? लेकिन वही नहीं, जो पॉपुलैरिटी मिली है, जो एक किस्म से वापस एक जो लाइफ मिलती है ना मीडिया में, पब्लिक मीडिया में, तो वो मिली है, प्यार मिला है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ उस प्लेटफॉर्म का। पवित्रा और मैं दोनों ही वही सवाल जवाब देंगे। जब आप बिग बॉस में गए थे तो हमारे लिए वो जीतना जरूरी था, लेकिन अब हम बिग बॉस में गए तो अब हमारे लिए एक दूसरे की खुशी ही बहुत ज्यादा मायने रखती है। Okay, sir. So, talking on moods of an actor. So, whenever you go somewhere, there are so many crabs catching you. So, how do you control your mood when ma'am is there with you? So, how do you control your mood? मेरे को कोई problem नहीं है। मुझे सिर्फ बदतमीजी से problem है। मुझे पसंद नहीं है कि पवित्रा 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 ऐसे कोई बोलता है। मुझे एजाज भाई बुलाते हैं, भाई बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, एजाज बुलाते हैं, कोई बात नहीं। बदतमीजी से प्रॉब्लम है और वो टोन से मुझे समझ में आ जाता है कभी। और पैप्स की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैंस की बात कर रहा हूं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। तो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं यार, हम जो भी हैं उनके वजह से, उनके प्यार से। अगर वो एक फोटोग्राफ लेके मतलब एक दो महीना खुश हो जाए कि हमारे आइडल के साथ हमने फोटो लिया, तो हम इतना तो कर ही सकते, हमें करना भी चाहिए। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं वजह से, उधर ही नहीं सोशल मीडिया पर भी बदतमीजी से प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्शन चाहते हैं, इसीलिए बदतमीजी करते हैं। तो बहुत सोच समझ के रिएक्ट करना पड़ता है। ओके सर, अभी फिल्म कंप्लीट की है मैंने पिछले महीने अभी दिसंबर होता है, और इस महीने शायद मैं नाटक करूं, प्ले करूं जैन मिड तक, और उसके बाद मिड जैन या एंड ऑफ जैन से दूसरी फिल्म शुरू होगी। फिल्म का नाम है गॉन केस, मैं बता सकता हूं क्योंकि वो डायरेक्टर ने खुद डाला है और सोशल मीडिया पर पोस्ट। एक ग्राफिक नॉवल है अमेजोन पे गॉन केस करके, बेस्ट सेलिंग है, उस पर आधारित है, और उस पर साइबर क्राइम ऑफिसर बनूं, आप पुलिस ऑफिसर है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक है जो बहुत जल्दी आएगा, और दूसरा तो मैंने दूसरे एक पोर्टल के लिए मैंने कह दिया है, मेरे पवित्रा ने एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट किया, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। ओके, सो सर, सिटी ऑफ ड्रीम में पुलिस का किरदार और यहाँ पे साइबर क्राइम, तो क्या सर आपको पुलिस से ही ज्यादा लगाव है, क्या पुलिस का किरदार करने को काफी अच्छा लगता है? अरे वैसी कोई बात नहीं है, मुझे गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स के भी रोज अभी ऑफर किए गए थे, दे डिडंट वर्क आउट, दिस वर्क्ड आउट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रोल। मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली मिलते हैं। हैविंग सेड दैट, अभी जो फिल्म मैंने की है वो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कैरेक्टर गेट्स मैनिपुलेटेड बाय एवरीवन, तो वैसे भी रोल्स मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने अलग हो सके, जितने चैलेंजिंग हो सके, मैं वैसे किरदार निभाऊँ। बड़ा मुँह एक छोटा मुँह बड़ी बात होती है सब बोलना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज एक्साइट करें, मुझे रोज इंस्पायर करें और लोगों को एंटरटेन करें। ओके, सो आने वाले समय में मैम के साथ कोई सॉन्ग या फिर गाना या ओटीटी प्लेटफॉर्म में? हम देख रहे हैं फॉर द राइट म्यूजिक वीडियो। मैं नहीं चाहता कि हम दो दिन में ऐसा ही म्यूजिक वीडियो उड़ाएंगे। मैं कर चुका हूँ।
गाने कर सुना म्यूजिक वीडियो और पवित्रा के साथ पहली बार मैं देखा, वो भी चाहती है कि बहुत अच्छा माइलस्टोन हो हम दोनों के करियर में। एक था वैसा, करने वाले थे इट एड बॉटम, तो एक तो और लोगों से बात हो रही है, लेकिन अभी तो हॉलीडे सीजन आ गया, शायद हम जान में कुछ करें बहुत जल्दी। एक वेब शो भी है, बहुत अजीब होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ काम करते हो तो वो प्यार तकरार में कैसे काम करेंगे समझ में नहीं आता, लेकिन पवित्रा के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत मुझे पता नहीं था वो इतनी अच्छी एक्टर है, क्योंकि मैंने उनका काम नहीं देखा। फिर वो रह रहे के मुझे बताती है अपने पास्ट के बारे में कि उन्होंने क्या काम किया, किसके साथ काम किया, कैसे कैसे हो चुके हैं, ब्रिलियंट एक्टर, बहुत मच्योर एक्टिंग करती है जब वो चाहे तो। आई थिंक एज अ प्रोफेशनल एक्टर ऑल्सो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हिम एंड सी के क्या निकलता है। पता नहीं किस हद तक करेगा, बट ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि पहले यार आप बहुत पहले जाओ तो संडे के दिन दूरदर्शन पर पिक्चर आता था, तो थिएटर में जाके देखते थे पिक्चर लगती थी, तो उसके बाद केबल आ गया, उसके बाद अभी ये प्लेटफॉर्म्स आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा इतना बन रहा है कि हर एक ऑडियंस चूज कर सकता है कि उनके कब कहाँ क्या देखना है। जैसे अभी जेम्स बॉन्ड की फिल्म निकली थी, वो निकली थी, तो वो सारे फिल्में मैं चाहता था कि मैं बड़े पर्दे पर जाके देखूँ, दूर जाके देखूँ। I don't think वो कभी मरेगा, लेकिन कुछ हद तक ऑफकोर्स अफेक्ट होगा। So recently बड़े पर्दे पे एक बड़ी पिक्चर आई है अंतिम करके सलमान सर की, तो क्या आपने देखी है? अभी तक नहीं देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गेटी गैलेक्सी में जाऊँ। Yes, वाह भाई। Okay, so Big Boss 15 is going on, so कितना फॉलो कर पा रहे Big Boss 15 और कौन से फ्रेंड्स घर के अंदर है? यार मेरे कोई फास्ट फ्रेंड्स अंदर तो नहीं, और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ रिएक्ट करके हेडलाइंस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं जर्नली नहीं देख रहा, मेरे अपने रीजन से नहीं देखने, मुझे उस यूनिवर्स से क्या होता है ना, वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मैं अब भी जो कह रहा हूँ ना सिर्फ वो हेडलाइन बन जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ उस यूनिवर्स से जुड़े रहना और उस पर ही विशेष टिप्पणी करना और रिएक्ट करते रहना, वो करते रहना नहीं चाहता, इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता। और सेकंडली इस सीजन में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं। ओके, सो देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड सीनियर, जहां जाते हैं देखो नीना थी, रश्मि देसाई गए, लास्ट ईयर सिद्धार्थ शुक्ला जी थे, पता नहीं और उस वक्त मुझे कैसे फील होगा, डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, मेरी जर्नी तो बिग बॉस की खत्म हो चुकी है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट अदर रियलिटी शो, विल यू आर यू इंटरेस्टेड गोइंग एनी रियलिटी शो, जल्द दिखा जाए तो यू कैन गो विद मैम, सो आप जाओगे? आई वुड लव टू, आई थिंक नजबलिया के लिए हमारी बातचीत भी चल रही थी, बट आई थिंक फॉर पुश्ड, आई वुड लव टू। आप न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन बनाओ, जनवरी में जिम जाओ 10 दिन के लिए फिर थक जाओ, नहीं, आप वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, इस चीज़ का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप क्या उठा के अपने मुँह पे डालते हो, ये समोसा साइड में पड़ा है उन्होंने पोस्ट किया था, नहीं तो मेरा मील अंदर पड़ा है, एग्स पड़े हैं, थोड़ी राइस और दाल पड़ी है, वो खा लो। तो एक
ऑक्यूपेशन भी मेरा वो है कि मुझे फिट रहना बहुत जरूरी होता है. हालांकि मेरे इतनी इंजरीज है और फिलहाल तो लेफ्ट नी पर बहुत बुरी इंजरी हुई है. मुझे एक दो महीने चलने नहीं हो रहा था, फिर रिहैब लेके मैं चलना शुरू किया, फिर एक दो बार वापस गिर गया नी पे, इश्यूज चल रहे हैं. तो इतना फिट होने के बावजूद भी इंजरीज हो रही हैं और फिटनेस चैलेंजिंग हो रही है. अगर मैं अपने फिटनेस को, अपने वर्कआउट्स को, अपने रिहैब को सीरियसली नहीं लगा तो मैं कहाँ काम नहीं करता रहता, मैं चल भी नहीं पाता. तो मेरे लिए तो लाइफस्टाइल चॉइस है. मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगा यार, जिस दिन आपको अंदर से लगेगा ना तो आप करना शुरू करोगे, बाकी दिखावा मत करो. इट इज बहुत जरूरी है आप डिसिप्लिन मेंटेन करो. मैं अभी एक दूसरे इंटरव्यू में बता रहा था कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ और आई मेक माय बेड. सबसे पहले माई डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम माय. ये नहीं कि मैं अल्ट्रा डिसिप्लिन आदमी हूँ और सब कुछ मेरे जिंदगी में डिसिप्लिन के मुताबिक चल रहा है. आई चूज माय बैलेंस. कुछ कुछ चीज़ें मुझे करनी है, जैसे मैं अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए रात में नमाज पढ़ के ही सोता हूँ. उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है. उससे मुझे लगता है कि मैं अपने दिन के गुनाहों को थोड़ा साफ किया हूँ. तो यार फिटनेस भी वैसा ही है. अगर आप करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, बाकी किसी कहने पर तो नहीं. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मेरी जिंदगी मेरे साथ जी रहे हैं. मैं अपनी जिंदगी 24 घंटे आपको नहीं दर्शा सकता, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ. लेकिन कोशिश करूंगा अपनी इज्जत को हमेशा बुलंदियों पर रखूं और अच्छा काम करके आई कीप मेकिंग यू proud of me as much as you make me. Thank you so much, sir. My pleasure.